event we are doing, however, and another one is coming in. We may have to turn down the light, but the guide will ask you to form a ring around the table so we can debar the light and not disturb the oncoming turtle. Okay? कछुए को ढूंढने जा रहे हैं अभी. यहाँ पे टर्टल आइलैंड पे आए हुए हैं. काफ़ी सारे टर्टल दूर दराज बहुत सारी कंट्रीज से इस आइलैंड पर अंडे देने के लिए आते हैं. और ये महीना जो है मार्च से लेके अगस्त तक इस आइलैंड पर रहते हैं और अपने अंडे देते हैं. उसके बाद ये अंडों को ढक कर समंदर में वापस चले जाते हैं. ये जो कछुआ है लेदर बैक के नाम से मशहूर है. और फिलहाल ये अंडे यहाँ पर दे रहा है, देख सकते हैं. लेदर बैक टर्टल जो है वो 700 किलो तक के होते हैं और ये एक बार में 100 से लेके 110 तक अंडे देते हैं. और इनका जो साइज़ होता है काफ़ी बड़ा होता है. और ये रात के वक्त में अंडे देते हैं. अगर आपको कभी कछुआ अंडा देते वक्त देखना है तो आप रात के वक्त में जो आइलैंड होते हैं जहाँ पर स्पेशल कछुए जाते हैं वहाँ आप जाके देख सकते हैं. लेकिन ये सेंसिटिव बहुत होते हैं. इनको आप अगर डायरेक्ट लाइट के ज़रिए देखेंगे तो ये फिर भाग जाते हैं. और ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं. सिर्फ रेड लाइट के ज़रिए आप इनको जो हैं देख सकते हैं. रेड लाइट से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. और ये एक टर्टल जो है ये अपने अंडे यहाँ पर दे चुका है. और देने के बाद अब ये अंडों को ढक रहा है. और ढकने के बाद ये जो है टर्टल वापस समंदर में चला जाएगा. तो इस तरीके से ये हर साल यहाँ पर आते हैं अंडे देने के लिए और अंडे देकर वापस चले जाते हैं. देखिए इसने अंडे देने के बाद उस गड्ढे को पूरी तरह से ढक दिया है. ये रात का वक्त है. फ्लैश लाइट यहाँ पे मना किया गया है कि जिस वक्त अंडे दे देता है उसके बाद ढकते वक्त फ्लैश चलाना मना होता है. तो रेड लाइट के ज़रिए आप इनको देख सकते हैं. अंडों से बेबी बाहर आ गए हैं. न्यूबोर्न योर बेबी. वेयर इज योर वाइफ? हम इसे हम दे बॉय बच्चन. सॉफ्ट है, बहुत टाइट होता है. पकड़े, ये देखे कैसे उड़ रहा है. देख सकते हैं ये उसके बच्चे हैं. उसने अंडे दिए थे. This is supposed to have more if there's 100 eggs. Mm.